दोस्तों जानवर अधिकतर लोगों की पसंद होती है। उन्हें देखने के लिए हम सफारी या चिड़ियाघर जैसी जगहों पर जाते हैं जहाँ करीब से अपने पसंदीदा जानवर को देख पाते हैं और एक वन्य जीव का अनुभव भी कर पाते हैं। दोस्तों क्या आपने कभी उन जानवरों को गोद लेने के बारे में सोचा है? शायद नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि यह आसान नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा हो सकता है, क्योंकि नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली चिड़ियाघर वह वन्य जीवों को गोद लेने की एक योजना की शुरुआत की है। आइए दोस्तों जानते हैं कि वन्य जीवों को कैसे गोद लिया जा सकता है, इन जानवरों को ले सकते हैं गोद। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें आप शेर, हाथी, गैंडा, तेंदुआ, भेड़िया, काला हिरन, नील गाय, उल्लू जैसे सभी वन्य जीवों को गोद ले सकते हैं। दोस्तों वहीं आप इन जानवरों को गोद लेकर अपनी संरक्षण में मदद कर सकते हैं। दोस्तों हम सभी कुत्ते, बिल्ली, गाय, बकरी जैसे जानवरों को तो जरूर पालते हैं, पर ऐसे बड़े और जंगली जानवरों को शायद ही पालने के बारे में आप सोच पाते हैं। वहीं आप चिड़ियाघर में रहने वाले अलग अलग जंगली जानवरों और जीवों को गोद ले सकते हैं, यहाँ मिलेगी अधिक जानकारी। दोस्तों लोगों के बीच वन्य जीव संरक्षण की भागीदारी को बढ़ाने के लिए भारत के सभी प्रमुख चिड़ियाघरों में पशुओं को गोद लेने की योजना शुरू की जा रही है। हालांकि देश के दूसरे कई चिड़ियाघरों में यह योजना पहले से ही हो रखी है। वहीं दुनिया के कई चिड़ियाघरों में यह योजना पहले से लागू हो चुकी है। दिल्ली चिड़ियाघर के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब इस योजना को लागू किया जा रहा है। दिल्ली चिड़ियाघर के डायरेक्टर धर्मदेव राव ने बताया कि इस योजना से लोगों के बीच वन्य जीव संरक्षण के लेकर भागीदारी बढ़ेगी। इसको लेकर दिल्ली चिड़ियाघर ने जन भागीदारी योजना चला रहा है। इसके जरिए लोग अपने पसंदीदा पशुओं को गोद ले सकते हैं और उसकी देखरेख संरक्षण के लिए दिल्ली चिड़ियाघर के साथ नजदीक में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दी गई इस वेबसाइट पर मेल कर सकते हैं और फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सालाना खर्च होगा इस प्रकार। दोस्तों आपको बता दें कि चिड़ियाघर के वन्य जीवों को गोद लेने के लिए अलग अलग दर के हिसाब से 1 या 2 साल के लिए गोद लिया जा सकेगा। चिड़ियाघर में मौजूद एशियाई शेर, सफेद बाघ, बंगाल बाघ, गेंडा, हाथी और बिलाल को गोद लेने का सालाना खर्च 60,000 होगा। दोस्तों सबसे ज्यादा यही है। वही सबसे कम खर्च वाले जानवरों में जैवरा फिंच है जिसकी गोद लेने का खर्च 700 रुपये है। इसके साथ ही तेंदुओं को 1 साल के लिए गोद लेने का खर्च 2,25,000 रुपये है। वहीं भारतीय गोर की कीमत 80,000 रुपये है। भेड़िया की कीमत 1,20,000 रुपये। इंडियन जेकाल की कीमत 2,40,000 रुपये है। धारीदार लक्कड़ बग्गा की कीमत 3,00,000 रुपये है। भारतीय सिहार की कीमत 1,20,000 रुपये है। उल्लू की कीमत 12,000 रुपये है। पहाड़ी सांप की कीमत 10,000 रुपये है। काला हिरन की कीमत 40,000 रुपये है। दोस्तों इसके अलावा नील गाय और साबर को गोद लेने के लिए सालाना खर्च 40,000 रुपये आएगा। यहाँ करें आवेदन। दोस्तों दिल्ली चिड़ियाघर में मौजूद अलग अलग वन्य जीवों को गोद लेने की कोई भी व्यक्ति, संस्था, कंपनियां, शैक्षणिक संस्था आवेदन कर सकते हैं। सभी दस्तावेज और जरूरी कागजों को कार्रवाई पूरी करने के बाद चिड़ियाघर प्रशासन की तरफ से एक पहचान पत्र गोद लेने वाले शख्स को दिया जाएगा। दोस्तों इसके साथ ही उन जानवरों के बारे में उस शख्स का नाम व कंपनी का संस्था का नाम भी लिखा जाएगा। साथ ही उस शख्स को चिड़ियाघर में होने वाले अलग अलग कार्यक्रम में भी शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। गोद लेने की अवधि पूरी होने के बाद भी अगर प्रशासन की तरफ से उसे एक प्रमाण पत्र भी सौंपा जाएगा। दोस्तों गोद लेने की प्रक्रिया के जरिए लोग चिड़ियाघर में मौजूद वन्य जीवों को देख रेख में जुड़ सकेंगे। उन्हें नजदीक से उनको संरक्षण का अनुभव मिलेगा। जानवरों को गोद लेने के लिए चिड़ियाघर प्रशासन की तरफ से एक फॉर्म जारी किया गया जो दिल्ली चिड़ियाघर की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। दोस्तों साथ ही इससे जुड़ी अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।